दोस्तों, आपने डोरेमोन कार्टून सीरीज तो देखी होगी, जहाँ पर नोबिता नाम की एक बच्चा जिसका दोस्त डोरेमोन, जो अपनी गैजेट की मदद से उसकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देता है, उसके साथ खेलता रहता है, उसके साथ ही रहता है। ये देखकर हम में से हर किसी ने ये सोचा होगा कि काश मेरे पास डोरेमोन होता तो मेरी लाइफ कितनी आसान बन जाती। पर क्या आपको पता है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। पर नोबिता की ये कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं है, यह आपको काफी इमोशनल कर देगा। इसलिए नोबिता की ये कहानी पूरी अंत तक देखना, ताकि आपको उसकी पूरी कहानी पता चल पाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जापान की टाकाओका शहर में, जहां पर नोबिता नाम की एक बच्चा रहता था, जो पढ़ने और लिखने में बहुत कमजोर था। इसलिए उसके स्कूल में उसके टीचर्स और उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाया करते थे, उसे बहुत बुली करते थे। वो इंसल्ट से बचने के लिए अकेले रहने लग गया, पर वो बच्चे इतने शैतान थे, वो इसके पीछे पड़ गए और इसे बहुत बुली करने लगे। इसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और एक बीमारी का शिकार हो गया, जिसे स्किजोफ्रेनिया कहते हैं। इस रोग में आपको ऐसे ऐसे चीजें नजर आता है, ऐसे ऐसे किरदार नजर आता है, जो आम इंसान को कभी नजर ही नहीं आता है। आप इसे एक तरह की पागलपन कह सकते हैं। इस रोग ने जन्म दिया डोरेमोन के किरदार को, जो नोबिता की जिंदगी में अकेलापन को दूर कर दिया। वो अपनी दुनिया में जीने लगा, डोरेमोन के साथ खेलने लगा, उसे गैजेट लेके तरह तरह की उठपटांग हरकतें करने लगा। पर वो अपनी सारे कहानी अपनी माँ को बताया करती थी, पर उसकी माँ उसकी बचपना समझ कर नज़रअंदाज कर देती थी। पर अब नोबिता धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम्स भी बड़े हो रहे थे, क्योंकि उसके साथ पढ़ने वाले उसके क्लासमेट्स उसे कुछ ज़्यादा ही तंग करने लग गए थे। ये देखकर एक टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाकर ये कहा कि नोबिता थोड़ा अबनॉर्मल है, आप उसे एक डॉक्टर के पास ले जाके चेकअप करवा लीजिए। नोबिता के पिताजी नोबिता को एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर सारे चेकअप करने के बाद उन्हें पता चल गया कि नोबिता को स्किजोफ्रेनिया हुआ है, इसलिए उन्होंने उनके पिताजी को सारे बातें बता दी। घर आके नोबिता के पिताजी ने नोबिता को सच्चाई से रूबरू करवाया। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि डोरेमोन कोई असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम्हें स्किजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें ये सारे चीजें दिखने लग जाता है। पिताजी को ये बात कहने में जितनी आसान लगी, काश नोबिता इस बात को उतनी आसानी से समझ पाता, पर मासूम नोबिता इस बात को उतनी लाइटली नहीं ले पाया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गया, वो अपना कंट्रोल खो बैठा और मेंटली अनस्टेबल होकर उसने अपने पिताजी का बंदूक लेके खुद को गोली मारकर सुइसाइड कर लिया। कुछ दिन बाद जब जापान की फेमस कार्टूनिस्ट फुजिको फुजियो को इस कहानी के बारे में पता चला, उन्हें लगा ये कहानी पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। इसीलिए 1970 में पहली बार डोरेमोन कार्टून सीरीज दुनिया के सामने आया। इस दुनिया में कोई भी चीज जो थोड़ा हटके होता है, वो लोगों को पहले पसंद नहीं आता, पर बाद में वही चीज लोगों को बड़ा कूल लगता है। इस दूरियों ने कईयों के अंदर की नोबिता को मार दिया है, और कईयों ने दबाव की वजह से अपना दम घुट चुके हैं, जैसे नोबिता इस दुनिया से चला गया। पर कोई भी इंसान तब तक जिंदा है जब तक कि उसके अंदर की बच्चा जिंदा है। जिस दिन वो बच्चा दबाव की वजह से दब गया, उस दिन वो इंसान इंसान नहीं जिंदा लाश बन गया।